ਸਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਸਰਸਾ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਨਕੇ ਬਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਫਾਗੋ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਭਜਨ ਸੁਣਾਏਗੇ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇ ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇ ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇ ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਤਾ भटकते फिर रहे कब से काल की जून चौरासी में समय कितना गुजर गया समय कितना गुजर गया जन्म मरण की फांसी में भटकते यूं ही रहते सहारा न मिल गया होता प्रेम तेरा प्यारे सतगुर हमें ना मिल गया होता ना थी अच्छाई हमरे में ना था गुण भी कोई पल्ले फिर भी रहमत से ए दाता फिर भी रहमत से ए दाता भगत बने जो थे निठल्ले नजरे करम कर दाता हम पे ना हो गया होता पता नहीं जीताता जी हमारा हाल क्या होता ना था दुनिया में कोई जी ना था रुसफर जमाने में जग के झूठे गुलिस्तां में जग के झूठे गुलिस्तां में लगे थे फूल मुरझाने काल भवर में थे फंस गए सहारा न आपका होता पता नहीं जीताता जी हमारा हाल क्या होता चाह सत नाम जी सतगुर तेरे गुण गा नहीं सकता नीत जो धूड़ चरणन की
तेरी क्या सिफत सुना सकता, सेवक तेरे को दाता प्यार ना मिल गया होता, पता नहीं जीता ताजी, पता नहीं जीता ताजी हमारा हाल क्या होता, प्रेम तेरा प्यारे सतगुरु हमें ना मिल गया होता। धन धन सतगुरु तेरे ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जद पीर दे दर्शन पा लेने हुण होर किसे था जाना की, जद पीर दे दर्शन पा लेने हुण होर किसे था जाना की, जद डिग पे दे चरनाच हुण होर थसीस चुकाना की, जद पीर दे दर्शन पा लेने दिया मुरादा पाले तू, दुख दिल दे खोल सुना ले तू, सुना ले तू किसे होर दे दर्द उते जाके हुण चोली नू फैलाना की, अमृत पीता अंदर दा हुण लगनी दिल नू प्यास नहीं, प्यास नहीं जद पीर दा मिल गया मैं खाना, जद पीर दा मिल गया मैं खाना हुण होर थकासा दाना की, जद पीर दी मिल जागीर गई हो दुनिया मेरी अमीर गई, अमीर गई जद ताज महल विच बैठ गए फिर कुल्ली दे विच जाना की, खुशियां दूर नहीं तू रहना हुण रंजूर नहीं, रंजूर नहीं तेरे सिर ते हाथ है सतगुर दा, हुण दुखा नेड़े आना की, जद पीर दे दर्शन
पालेने जद पीर दे दर्श पालेने हुण होर किसे था जाना की जद डिग पे दे चरना च हुण होर था सीस चुकाना की धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक साजन बाजी प्यारी सत्संग जी इंसान जब तक इंसानियत के कारनामे नहीं करता वो पशु शैतान से भी बदतर है। इंसान जब तक वो कार्य नहीं करता जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने उसे भेजा है तो वो इंसान इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। इस कलयुग में इंसानियत मरती जा रही है, भावना खत्म होती जा रही है, इंसान अपने मन नफ़े शैतान के पीछे पागल है, उसको कोई भी अच्छी बात भाती नहीं, पीर फकीरों की बात समझ आती नहीं, मन की उल्टी सीधी बातों में मन की उल्टी सीधी चालों में दिन रात मस्त रहता है। इस इंसानियत को पुनर्जीवित करने के लिए बेपरवाह सच्चे मुर्शिदे कामिल शामस्तान शास्त्र नामदाता रहबर ने जीवों को बड़ा सीधा बड़ा आसान रास्ता बताया, गुरु मंत्र का जाप करो। और जाप भी ऐसा लंबी चौड़ी बात नहीं, तीन शब्द पांच शब्द आप याद कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए तो वो मालिक आपको जरूर मिलेगा, उसकी कृपा पात्र आप जरूर बन जाएंगे। और जब इंसान ईश्वर के नाम का जाप करता है, सेवा स्मरण करता है, तो उसके जज्बात परमपिता परमात्मा के लिए बढ़ते चले जाते हैं, उसे वो तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम नजारे मिलते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते। वो कल्पना नहीं है, वो हकीकत है, उसको पाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पर अपने आप को साधना होता है। भक्तों को लोग साधक कहते हैं, साधक बन जाना अलग बात है और साधक बन के रहना अलग बात है। साधक बनना सत्संग सुना नाम ले लिया साधक बन गया, साधक बने रहना जो पीर फकीर कहता है उस पे अमल करता है वो साधक बना रहता है। सुमरण करो, निंदा चुगली ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। जो ऐसे कार्य करते हैं मालिक भी उन्हें खुशियां तमाम देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की खुशी देके जल भून जाते हैं, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता क्योंकि वो दूसरों की बुराइयां अपने अंदर लेते रहते हैं। दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चुगली करना, उनको बुरा बोलना, उनको बुरा कहना, उनको नीचा दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करना, तो जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनको कोई ऐसा कर रहा है, उनको शांत रहना चाहिए क्योंकि वो तो आपकी मैल धो रहा है, उसकी झोली में तो आपकी मैल जा रही है और वो कभी शांत नहीं रहेगा, अशांत परेशान बेचैन वो इस तरह से इंसानियत से दूर चला जाता है। तो भक्ति करो, सेवा करो, कौन कैसा है आपने क्या लेना, अगर कर सकते हो तो जो बुराइयों में फंसे हुए हैं उनका भला करो, राम नाम से जोड़ो, मालिक की भक्ति से जोड़ो, सुमरण करो,
और सुमन करने की प्रेरणा दो। बड़ी बड़ी बातें मारना, आप बाबा बन के बैठ जाना, लानत होता है ऐसे लोगों पे, क्योंकि वो लोग अपने कुलों को डुबोते हैं, अपना खात्मा अपनी बुराइयां कर करके कर लेते हैं। तो इसलिए इंसान को अगर वो मुरीद बना है तो मुरीद मर मिटा अपने मालिक के लिए, अपने सदगुरु के लिए, उसके दिलो दिमाग में भक्ति सुमरन सेवा के बिना कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावना का शुद्धिकरण करें, विचारों को शुद्ध करें। दो ही तरह की लाइफ जिंदगी में मुख्यतः मानी जाती है, घर गृहस्थ और त्यागी। घर गृहस्थ में रहने के बाद त्यागी बनना बड़ा मुश्किल होता है, त्यागी बनने के बाद घर गृहस्थ में जाया जा सकता है। तो जो भी जिंदगी आप चुनी है, जैसी भी जिंदगी में आप रहते हैं, त्यागी हैं या घर गृहस्थी आपने अपना रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, उसमें हेर फेर मत कीजिए। घर गृहस्थ में रहते हुए भी आप परमार्थ कर सकते हैं, तन मन धन से जिन दुखियों की मदद कर सकते हैं, सेवा सुमन कर सकते हैं। और अगर त्यागी हैं, ऐसी जिंदगी तो त्रिलोकियों में क्या, दोनों जहां में कहीं होती ही नहीं, कि जो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा के लिए सब कुछ त्याग दे, भले कर्म करे पर सच्चा त्यागी हो, एक दूसरों की टांग खींचता ना रहे कि उसको गिरा दूं, इसको गिरा दूं, ये आगे क्यों बढ़ गया, वो पीछे क्यों रह गया, मैं आगे क्यों नहीं, वो पीछे क्यों है, ऐसी बातें ना तो त्यागियों के लिए, त्यागियों के लिए तो 100% ही शोभा नहीं देती, और ऐसा ही गृहस्थियों के लिए भी है। बजाय किसी की टांग खिंचाई के अपने टांगों को मजबूत करो, मतलब कर्तव्य निर्वाह करो, सेवा सुमरण करो, ताकि दृढ़ता से आगे बढ़ सको। दूसरों को कमजोर करने से आप खुद कमजोर हो जाते हैं, इसलिए सबका भला मांगते हुए सेवा सुमरण कीजिए, तो मालिक आपके ऊपर कृपा दृष्टि जरूर करेंगे। इंसानियत को जिंदा रखो, इंसानियत की भावना मरने ना दो। सुमरण करके सबका भला मांगो, भक्ति इबादत करते हुए सबका भला मांगो, और कर्मों से भी सबका भला करो। ये ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है कि आपका व्यवहार गलत ना हो। समाज में आप रहते हैं, व्यवहारिक हैं आप, अगर आप अपना व्यवहार गलत करते हैं, जिसे 10 लोग टोकते हैं, तो व्यवहार को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि आपका व्यवहार आपको नीचा गिराता है, आपका व्यवहार मालिक की निगाह में भी आपको नीचा गिराता है। इसलिए व्यवहार ऊंचा रखो, व्यवहार सही करो, ताकि नेकी पे चलते हुए, व्यवहार में पक्के रहते हुए आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनो, उसकी दया में रहमत के काबिल बनो, हकदार बनो। तो ये संभव है अगर आदमी वचनों को माने, पीर फकीर की बात माने, उस पे अमल करे, तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी और उसके अंदर की तमाम कमियां दूर हो जाएंगी। तो प्यारे सत्संग जी, विदेशों में बात करने वाले हैं, दोहा कतर से, रोंग मलेशिया से, कैलिफोर्निया यूएसए से, जल्दी से शॉर्ट में बात कीजिए बेटा। कराओ भाई। जी मैं स्टेट को इंसान मलेशिया से बोल रहा हूँ जी। जी भाई हिम्मत गल करता है भाई, मैं आप जी सात संगत में दो कृष्ण में दसना चाहना पिता जी। भाई जब मैं मलेशिया में आया पिता जी, मेरा जो एजेंट थी भाई मैंने दो दिन लॉक करके रखा पिता जी, उसने भाई मैंने खाने लिए मीट मास दिता पिता जी, आप जी के बटना से चल रहे हैं पिता जी, मैं दो दिन भुखा रहा पिता जी, दो दिन मैं लगातार सिमरन किया पिता जी, उस बाद भी मैंने इस तरह भी मेरा पेट फुल ला, उस बाद पिता जी मैं दरबार एक्शन ब्लॉक में फोन किया पिता जी, उस बाद मैं सारी गल दसी उन्होंने मैं प्रेमी वीर का नंबर दिता, तो मैं उन्होंने सारी गल दसी, उन्होंने मैं सारी गल सुनते हुए अपने को रखे, अपने को काम से भी लगवाया पिता जी, और पिता जी थोड़ी रहमत के नाल पिता जी मैनु इनाम भी मिले पिता जी काम जिथे मैं करता जी, और पिता जी 8000 मुंडिया पिता जी मैंने कले नु सिलेक्ट किया पिता जी, उन्होंने
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 8000 ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਸਕਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦਮੀ ਘੰਟਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਨ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਨ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਔਰ ਗਹਿਣੇ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਪੀ ਮਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਿਵਸ ਜੀ ਆਪਕੋ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਬਰਥਡੇ ਪੇ ਆਪਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਗਏ ਥੇ ਵਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬੇਟੀ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਥੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਟੇਸਟੀ ਬਦਾਮ ਸੀ ਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਦਾਮ ਮੈਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਥੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਤੋ ਵਹਾਂ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਕੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੇਤੇ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੇਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਬਚਨੋ ਪੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਮਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ यहाँ पे ना जब से हम आए हैं यहाँ पे कोलाइटिस का बहुत प्रॉब्लम होता है पिछले अल्सरेटिव कोलाइटिस में ना डायरिया हो जाता है और बहुत ब्लड लॉस होता है मुझे भी कई बार हो चुका और ये हम जो भाई जी हैं उनको भी हो जाता है डॉक्टर मेडिसिन तो देते हैं तो वो उससे ना शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है फिर बाद में फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है बेटा थोड़े परहेज रखे जाए और बस परहेज ही ज्यादा जरूरी है ज्यादा मिर्च मसाला तेज चीजें और बहुत ज्यादा तली हुई चीजों से जितना गुरेज किया जाए अच्छा है बेटा यहाँ पे 21st को क्लीनिंग कैंपेन है सैन फ्रांसिस्को बीच का ग्रीनेस्ट वेलफेयर आशीर्वाद से किसी आपसे जी बेटा आशीर्वाद शाबाश बहुत अच्छा कर्म है बेटा सब लोग लगन से करना बेटा जी भाई जी 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 जब भी आपसे बात होनी होती है ना मेरी तो हीरा है अपने सिरसा की तो मैंने बहुत परेशान कर दी है बोल दी मेरा नारा लगा दी पिटी नो तो ये ना बोली कि मैं बहुत सेल्फिश है मैं हमेशा बोल दी है मेरा नारा लगा दी आपके दिन नहीं लगा हूँ उसका नारा बात करते तो झगड़ा करने लग जाने मेरा नारा नहीं लगाया आपने जी बेटा सबका मंजूर बेटा आशीर्वाद हाँ सब एक्सीडेंट का नारा मंजूर करना पिटी और यूएस कैलिफोर्निया की
सब सत्संग का नारा कबूल करो पिता जी। जी बेटा जी, सबका मंजूर आशीर्वाद बेटा। थैंक यू पिता। पिता एक जोक सुनाओ। है बेटा जोक सुनाओ। जोक जी जी। पिता एक टीचर होता है, वो स्टूडेंट से पूछता है न्यूटन का फिफ्थ लॉ क्या है। तो स्टूडेंट बोलता है लूज मोशन नेवर कम्स इन स्लो मोशन। जी एक और जो सुनाओ किसी छोटा सा। जी बेटा। किसी एक बच्चा ना मम्मी से बुरी तरह पिटाई खाने के बाद पापा से बोलता है पापा आप कभी नरक गए हो? तो उसके पापा बोलते नहीं बेटा। तो बेटा बोलता है फिर इतनी क्रॉस चीज कहाँ से ले आए? जी बेटा आशीर्वाद। थैंक यू। हम बादाम लेके आए वहाँ से डेरे से इसका ग्रीन वेलफेयर का प्रसाद बना दो पिटी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनी मन लगे बेटा, और हिम्मत से आगे बढ़ो, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच पिटी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा जी आशीर्वाद। और लाइव में से सात संगत अबू धाबी यूए, प्यारे पिताजी राजीव इंसान को सात मेंबर का प्रसाद दिलवाना, बिस्कुट है प्रसाद बना दो। जी बेटा उनको बोलो खड़े होगी नारा लगा दे, प्रसाद ले ले, मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। और यहाँ जिम्मेवारों को भी जरूर नोट करवा दें। चंद्र इंसान परिवार मनीला फिलीपाइंस, प्यारे पिताजी ऑस्ट्रेलिया वीजा के लिए अप्लाई करना है जी, रहमत करना। जी बेटा आशीर्वाद, सुमन करो, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। विदेश जाना वकील इंसान, प्रसाद ले जाना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक साथ है, बचनों पे रहना, सो बचनों पे रह के आगे बढ़ना, अच्छे कर्म करना, आशीर्वाद। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस एयर इंडिया में IVR के माध्यम से 11,742 कनेक्शनों पर 42,654 की तादाद में सत्संग लाइव मजलिस सुन रही है, सबको बहुत आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1356 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। विवाह शादी वाले परिवार आए और ये दिन दुखी मध्य बैंक में 11 ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सब परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। शास्त्र जी कितने से पहले फिर फोर्स में प्रसाद लेने वाले नए सेवादार 10 भाई 2 बहनें खड़े हो जाएं। और कैलगरी कनाडा से 5 भाई 4 बहनें ऑनलाइन, इंसानियत की सेवा महाअभियान के फॉर्म भरने वाले 11 सेवादार 11 बहनें खड़ी हो जाएं। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं और धन्य वो कुलें हो जाती हैं। सो आप बचनों पर रह के सेवा करें, मालिक दिन दुगनी रात चौगुनी से भी बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शते हैं। प्रसाद ले लेना और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद जी। तो प्रसाद लाके लेके बैठ जाएं जी, बाद में प्रसाद दे देंगे, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बाद में प्रसाद ले लेना है जी। और जो विदेशों में है वो भी प्रसाद वहीं से ले लीजिएगा और सबको आशीर्वाद। और दूर दराज से आए हैं मीनाक्षी इंसान पुणे महाराष्ट्र से, फौजी गुरचरण इंसान श्रीनगर, प्रदीप इंसान पुणे से, महेंद्र इंसान जैसलमेर से। तो आप खड़े हो जाएं, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका आने का। प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, से नारा लगा के बैठ जाइए। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल कॉलेज के योगा खिलाड़ियों के कोच ने नेशनल योगा चैंपियनशिप खेलने जाना है, सो बचनों पर रहना, सुमन करना बेटा और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 4 से 21 दिन वाले भाई बहन मिस्त्री,
सो जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बड़े, मालिक दिया में रहमत से नवाजे, सो प्रसाद लेके बैठ जाए, और प्रसाद ले लेना घरों के लिए भी और परिवारों को कहना आशीर्वाद और नारा लगा के बैठ जाए। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना, कैंसर जला इलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। और खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे, आइंदा ख्याल रखें। तीन वचनों में पहली बार गलती हुई है तो इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ, मालिक से आपको माफी दिलवानी, जल्दी करो, बाद में खड़े होते हो उसका कोई माफी नहीं होती, अभी खड़े हो गए तो हो गए, आशीर्वाद कहने से पहले पहले खड़े होना होता है, ये ध्यान रखा करें। और भंगीदास बोलते रहा करो भाई सुबह की मजलिस में कि आशीर्वाद से पहले पहले खड़े हो जाना होता है, जिन्होंने माफी लेनी होती है, बाद में कहीं जानबूझ के पता ना चले, और खड़े रहना होता है, बैठ के खड़े हो गए, बैठ के खड़े हो गए, तो कईयों को होता है कि मेरा पता ना चले, उस भगवान को सब पता है, ना किया करो गलती भाई। सो वचनों में गलती अगर करते हो तो खुशियां चली जाती हैं, और आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। देखो एक बहन फिर बाद में उठी है, और अभी हम तब से वचन कर रहे हैं कि पहले खड़े हो जाओ, तो बैठ जाए बेटा, नारा लगा के मालिक माफ करने वाले हैं, और वचनों में कभी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, मालिक खुशी देंगे, और सुमरण करना लगातार, बैठ जाइए। खुशी बताई पाखंड में पड़े, फ्रॉड कंपनी में पैसे लगाए, आप शब्द बोले नाम शब्द में दोबारा बैठे, जाम दो बार पिए, नारा लगाया पूरा नहीं किया, सेवा पर नहीं आए, प्रसाद खराब हुआ, स्वरूप की बेअदबी की, कोई भी ऐसी गलती की, खड़े होकर नारा लगा के बैठे और सुमरण करें, मालिक रहमत करते हैं। दूसरी ओर माफी लेनी, दो महीने सुमरण किया मन जीत इंसान, और तो लगातार सुमरण चलता रहे, मालिक रहमत करने वाले हैं, नारा लगा के बैठ जाइए। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई, जिन्हें चुड़ैल है मैंने कसर होंगी, अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाइए, जल्दी कीजिए, शोर नहीं करना, अपनी जगह पे खड़े हो जाना है जी। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आपके सारे भरम भूत भगा दिए, बीमारी वाला प्रसाद लेना, सुमरण करके दवाई लेना, अपने हॉस्पिटल से दवाई ले लो, आपके सारे भरम भूत भागे, सारे भूत भागे, नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाइए, खड़े नहीं रहना, हाँ शाबाश, सब भूत भाग गए हैं, बैठ जाइए। और सुबह 6 से रात के 10 बजे तक सर से राज सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए महापरोपकार महीने की खुशी में राजवंत कौर यूएसए 30,735, इसके अलावा 48 बहन भाई दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद, सेवासन में मन लगे खड़े हो जाएं, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, और नारा लगा के बैठ जाइए, और मालिक बेहद खुशियां दे, प्रसाद ले लीजिएगा। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसे 5 परिवार आए हैं जी, एक का नाम नहीं लिया था, छोटा बच्चा था, अगर मां ने गर्भ में सुमरण किया, बच्चा जब गर्भ में था सत्संग सुना, तो बच्चे पे भी कुछ ना कुछ रहमो करम जरूर होता है, वरना उसके लिए सुमरण करें घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार सारा परिवार बैठ के। 2 का शरीरदान, शरीरदान महादान, 1 की आंखें दान महादान, और 4 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं उनकी याद में, आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। खड़े हो जाए, चुनीर मुक्तसर फिरोजपुर पंजाब, रामपुरा जींद, गिदड़वाहा मुक्तसर और मुक्तसर पंजाब, तो खड़े हो जाए जी। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जो तेने धाम सचखंड सतलो का नाम ही जरूर जाती है, अस्थियां फूल लेके आयो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो तेने धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरण भी जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। सो मालिक आपको ताकत बख्शे, आशीर्वाद। कोई नशा छोड़ने आया साधन के लिए, यहां पे रुक जाइए, परिवार का एक आदमी साधन साथ रहे, साधन सेवा सिमरन करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी साधन साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना है, यार दस जो नशेड़ी है उनका संग सोबत बिल्कुल नहीं करना, रहना फ्री खाना फ्री, जरूरत पड़े तो दवा फ्री, सत्संग में प्रसाद पहने, शादी के कपड़े, बच्चों के कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके आए कि आशीर्वाद लेना है, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो, सारी सत्संग को अच्छे निकामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबको पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनुक शाम दीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय सज रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादर भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।